नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, लापरवाही कितनी घातक होती है हम देख चुके हैं। माणिकपुर में भी हाल ही में हादसा हुआ जहां एक बिल्डिंग का स्लैब गिरा था और उस स्लैब गिरने से एक महिला की मौत हुई थी। कुछ इसी तरह की लापरवाही की पुनरावृत्ति यहाँ इस समय दीवानमान के इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं। दीवानमान सेंट फ्रांसिस स्कूल के सामने हम खड़े हैं इस समय। यहाँ एक बिल्डिंग का काम शुरू है अभी। अब इस बिल्डिंग के पेपर्स क्या है, लीगल है नहीं है, इसकी जानकारी निकालने की कोशिश बाद में की जाएगी, लेकिन एक बहु मंजिला इमारत बन रही है अपन देख सकते हैं। अब इस बिल्डिंग के इस शुरू हुए काम में किस तरह की लापरवाही बरती जाती है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, इसका नमूना आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ ये MSEB की लाइन जा रही है, हाई टेंशन लाइन, इसको उन्होंने अपने काम के लिए तोड़ दिया। यानी कि ये लाइन टूटी और लाइन रिपेयर हो रही है, लाइट गई उसका सवाल नहीं है, लेकिन ये हाई टेंशन लाइन है, अगर इसकी चपेट में आकर किसी की जान जाती तो क्या होता, किसी के साथ हादसा होता तो क्या होता। दो दिन पहले ही एक बड़ा हादसा, करंट लगने से दो लोगों की मौत का हादसा विरार में हो चुका है। जब एक जुलूस में से लोग रिटर्न जा रहे थे तो दो लोग उसमें मरे और चार लोग घायल हुए थे, करंट लगने की वो घटना थी। और यहाँ ये घटना, ये भी कॉन्ट्रैक्टर की, इस बिल्डिंग के मालिक कॉन्ट्रैक्टर जो कोई है उनकी ये लापरवाही की पूरी पूरी घटना है। यहाँ अभी भी लोग जमा है, ऐसा बताया जाता है कि दोपहर के 2 बजे से ये लाइन टूटी है, अभी भी रिपेयरिंग का काम शुरू है, आसपास के लोग जमा है। हालांकि वैकल्पिक तौर पर आसपास की लाइट सब शुरू कर दी गई है, लेकिन काम शुरू है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है MSEB के सीनियर टेक्नीशियन, उनकी देखरेख में यह काम जारी है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कितना डैमेज हुआ और कब तक ये रिपेयर होगा। सर, आपका नाम? ज्ञानेश्वर सादुलवाड़। ज्ञानेश्वर जी, ये क्या, किस तरह से डैमेज हुआ, आपको क्या जानकारी कब मिली? ये मुझे जानकारी तो शाम को मिली, हमारे स्टाफ दोपहर में थे इधर, वो आ गए फ़ोन आने के बाद, वो कुछ गटर का काम करते समय ये हादसा हुआ है, केबल को डैमेज हुआ है। और कितना परसेंट, कितना केबल? अभी वो जॉइंट मारने का काम चालू है, केबल फेल हो गया है। हाँ, जॉइंट मारने का काम चालू है, अभी हो जाएगा। और ये पब्लिक के लिए कितना घातक हो सकता था अगर? अभी वो हाई टेंशन लाइन है तो डेंजर तो रहेगा। तो MSEB ने भी अपनी लाइन इतनी ऊपर रखी हुई है, क्या इस पर आपका क्या कहना होगा? अभी वो हमारे वरिष्ठों से बात करके उसके ऊपर कुछ इलाज किया जाएगा। और एक जो है, ये लोग कोई भी खुद काम करता है, कुछ करता है तो आपको इंटीमेशन देता है, आपको बुलाते हैं कि हम यहाँ खुद काम कर रहे हैं, आपकी लाइन कहाँ है, यूटिलिटी कहाँ है, हमें बताइए सर। वो आपको जानकारी ऑफिस से मिलेगी, मैं एक टेक्नीशियन के तौर पर काम करता हूँ, मेरा काम वो ऑफिस का HR का डिपार्टमेंट का काम मेरा है नहीं, इसके लिए मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। तो इनको जितनी जानकारी थी, ये टेक्नीशियन है, फिलहाल यहाँ रिपेयरिंग का काम देख रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल था कि क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी इंसान इस तरह से काम करता है तो इनको या म्यूनसिपालिटी को उनको इंटीमेट करता है क्या कि आपका यूटिलिटी, अलग अलग यूटिलिटी, यहाँ नीचे गटर लाइन भी होगा, वाटर लाइन भी होगा, वो क्या है, कहाँ है, नहीं है, वो कोई बताता है, पूछता है क्या? तो कई सवाल है, कई चीज़ें। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत हमेशा हम देखते हैं कि यहाँ हर चीज़ को काफ़ी लाइटली लिया जाता है, नियम कायदे कानून को कोई मानता नहीं है। अभी यही आप देखो, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, बिल्डिंग की तरफ, ये बिल्डिंग इतनी ऊंची बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अगर यहाँ कभी आज इसी मामले में अगर आग लगने जैसी, आगजनी की जैसी घटना हो जाती तो क्या यहाँ पर फायर ब्रिगेड जा सकती है? तो इस बिल्डिंग का प्लान सेंक्शन कैसे हुआ? नगर रचना विभाग वसई विरार महानगर पालिका में अगर इसका प्लान सेंक्शनिंग के लिए गया भी है तो क्या उन्होंने पूरी इसकी जांच पड़ताल की है? ये भी एक सवाल बड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी अनियमितता दिखाई दे रही है। आज फिलहाल जो घटना है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये घटना MSEB की केबल कटी थी, उस पर काम रिपेयरिंग का जारी है। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738276786